गढ़ी सवायराम में हुए हत्याकांड मामले को लेकर केशकला बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत पीड़ित परिवार के घर उनसे मिलने पहुंचे हैं, जहां घटनाक्रम की उन्होंने गहनता से जानकारी ली और परिवार को ढांढस बंधाते हुए गहलोत ने अपराधियों के कर्तव्य पर नाराजगी जाहिर की है। इकलौते बेटे की हत्या पर मंत्री भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए और पुलिस को फोन कर अपराधियों की संलिप्त कड़ियों को जोड़कर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की निर्देश दिए हैं। पीड़ित पक्ष के लोगों ने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा एवं मामले को फास्ट कोर्ट में भेजने की गुहार लगाई, जिस पर मंत्री ने कहा कि जघन्य अपराध करने वाला एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, फास्ट ट्रैक के मामले अवश्य भेजा जाएगा। वहीं लोगों ने गरीब परिवार की हिफाजत के लिए उनकी सहायता के लिए मांग रखी है, जिस पर अध्यक्ष ने मौजूदा रैणी तहसीलदार सौरभ सिंह और गुर्जर से भी इसके बारे में जानकारी ली। तहसीलदार ने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से मुआवजे के लिए प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दस्तावेजों के साथ उसको सबमिट कर दिया जाएगा। उनके साथ अलवर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये अलवर जिले की राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रैणी पंचायत समिति के गांव गढ़ी सवाई राम गांव का मामला है। मैं स्वयं यहां पे पहुंचा हूं और मेरे साथ मेरे भाई अलवर के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी भी मेरे साथ पहुंचे हैं और तमाम आला अफसर, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब लोग मेरे साथ यहां पे पहुंचे हैं। हम लोगों ने यहां पहुंच करके जानकारी ली। बहुत ही दुखद घटना है, एक निर्मम हत्या की गई एक नाबालिग बच्चे की एक पड़ोसी के द्वारा। तो गांव वालों से भी मुझे मालूम हुआ और उस परिवार ने भी बताया कि हमारी जो पुलिस है, हमारे जो पुलिस के अधिकारी है, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो मुलजिम थे उनको गिरफ्तार किया है और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का हम काम करेंगे। पुलिस इसका अनुसंधान कर रही है और मैं इस परिवार से मिला हूं, इनके दुख में सम्मिलित हुआ हूं। गांव के काफ़ी मौजूद लोग विराजमान हैं, मेरे साथ हैं, पूर्व सरपंच भी हैं, वर्तमान सरपंच भी हैं। सब लोगों की एक ही मांग है कि कड़ी से कड़ी सज़ा उस मुलजिम को मिले, कठोर कारावास हो, ताकि ऐसे कामों पर आगे आने वाले समय में प्रतिबंध लगे। इनकी सजा को देख करके दूसरे जो लोग हैं वो इस रास्ते पर नहीं चले, ऐसा संदेश हमारी पुलिस, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारी सरकार देने का काम करेगी। और मैंने देखा बड़ा गरीब परिवार है, बच्चे की माँ है वो आंगनबाड़ी में पोशार बनाने का काम करती है, उसके पिताजी चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल लाइन में छोटी मोटी कोई दुकान चला रहे हैं, तो कोई धनाढ्य परिवार नहीं है। मैं यहाँ से अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा और मैंने कहा भी है कि यहाँ से वो फिजिकल रिपोर्ट बना करके भेजे, ताकि ऊपर से कोई सहायता भी इस परिवार को हम देने का प्रयास करेंगे, जो भी नियमानुसार हो। और सबसे महत्वपूर्ण हमारी इच्छा यही रहेगी कि जो मुलजिम है, जिन्होंने ये कृत्य किया, उनको कठोर कारावास, जल्दी से जल्दी कठोर कारावास मिले और इस आत्मा को न्याय मिले, इस परिवार को न्याय मिले, ये मेरी भावना। फास्ट ट्रैक के मामले में क्या है साहब? बिल्कुल प्रयास करेंगे, फास्ट ट्रैक में ये मामला ले जाने का प्रयास करेंगे और पूरी मदद करेंगे जी आत्मा से।